फिल्म की शूट चल रही है और क्या लोकेशन पे क्या पिक्चराइज किया जा रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे जी। फिल्म का नाम है कहानी किस्मत की और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बाली जी और प्रोड्यूसर हैं आपके राजेश सिंह। और आज जो शूटिंग हो रही है, मैं इसमें जो है एक एसटीएफ का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है और इस फिल्म के जो है हीरो कल्लू जी हैं। स्टार्टिंग में मैं जो है नेगेटिव रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना फिल्म का हीरो है वो नेगेटिव है, लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि जो मुझे मैसेज आते हैं हीरो के प्रति नेगेटिविटी, उसी को मैं राइट समझता हूँ, सही समझता हूँ। लेकिन जब मुझे बाद में पता चलता है कि नहीं यार, जो मुझे मैसेज मिल रहे थे वो गलत लोग थे, गलत मैसेज दे रहे थे, जो फिल्म का हीरो कल्लू जी है वो सही था, वो देश समाज के हित में सही काम कर रहा है, फिर लास्ट टाइम मैं उसके साथ हो जाता हूँ और हम दोनों मिलकर बुराइयों को और कुरीतियों को ख़त्म करते हैं। एक एसपी का किरदार, जहाँ तक सूत्रों से खबर मिली है कि एसपी का किरदार कर रहे हो, और कितना चैलेंज है ये किरदार करना आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो वहाँ पुलिस का जो छवि बनी हुई है वो काफ़ी नेगेटिव छवि बनी हुई है पब्लिक में, तो कितना चैलेंज था आपको इसको न्याय करना जी? नहीं, ये करेक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट करेक्टर है, चूँकि मेरे लिए नया है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश में, सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, बिहार की, हमारे देश में पुलिस के खिलाफ हमारी जनता रहती है, क्योंकि है थोड़ी सी कमियां हैं हमारे दोनों में, कमियां हैं, ऐसा नहीं हम सिर्फ पुलिस को ही दोष दे सकते हैं, जनता में भी कमियां हैं। किसी भी गलती में हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, उसकी जिम्मेदारी दोनों की होती है। हाँ, परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ किसी एक पर दोषारोपण ना करें, हर आदमी को अपनी गलतियों को समझना चाहिए और कि गलती किसकी है और कहाँ पे है। तो जब हम मिल बांट के हमारी देश की जनता और हमारी देश की पुलिस जब एक हो जाएगी, एक मत हो जाएगा सोचने की और देश के विकास के लिए आगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो इतनी प्रॉब्लमें और एक दूसरे के प्रति इतना विरोधाभास नहीं रहेगा। और इस करेक्टर करने की जहाँ तक बात है, तो ये मेरे लिए भी डिफरेंट था, चैलेंज था और काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है। काफ़ी कड़क पुलिस ऑफिसर है वो इस फिल्म में, जो बताया नहीं कि मतलब ग्रे शेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मुझे वो अपने को चेंज ओवर भी करना है कि कहाँ पे कैसे एक्ट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट दिखना भी है। दोनों डाउट मेरी पूरी कोशिश है कि इसको अच्छा से करूँ और जनता मेरे इस काम को लाइक करे, पसंद करे। कल्लू जी की बात करें और आपकी केमिस्ट्री की बात करें, तो किस प्रकार का केमिस्ट्री है इस पर्दे पर? बहुत अच्छा लगता है, कल्लू मतलब यंग स्टार है, मतलब भोजपुरी का जो यंग जनरेशन चल रहा है, यूथ जनरेशन, माइंड ब्लोइंग वर्क है उसका, एक्शन उसका, डांस उसकी, ऑडियंस नो डाउट माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा एक्ट करता है, उसकी हाइट पर्सनालिटी कमाल की है। और कल्लू दिन पर दिन मेहनत करते जा रहा है और ऐसे ही करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि वो भोजपुरी में राज करेगा, और कर भी रहा है, धीरे धीरे बहुत उन्नति कर रहा है और हमारी उसकी केमिस्ट्री बहुत जमती है, क्योंकि दोनों मतलब यंग है, एक्शन हो सीन हो तो वो भी मेरे साथ करके बहुत खुश रहता है और मैं भी कल्लू के साथ करता हूँ तो कल्लू भी बहुत खुश रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं साथ में सीन। ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग हीरो विलन है, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग इस मिलकर इस सीन को करें कि इस सीन कैसे अच्छा बने जी। बाली जी और राजेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाली जी और राजेश जी के बारे में ये कहूँगा कि बाली जी बहुत कूल और बहुत अच्छे, आज उनको मतलब वो स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो सीन जब करते हैं तो बिल्कुल बड़े शिद्दत से, बड़े लगन से बैठे रहते हैं, मॉनिटर पर बैठे रहते हैं, एक्टरों की जो कमियां होती है उसको बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो बड़े कूल डायरेक्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर का कूल होना बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े प्यार से समझाते हैं। और जहाँ तक राजेश जी की बात है, राजेश जी तो मस्त मौला आदमी, बिंदास आदमी, बहुत सेट पे रहते हैं तो मतलब लगता नहीं प्रोड्यूसर है, सबको हंसाते रहते हैं और मतलब कमाल के एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। आप कहना चाहेंगे कल्लू जी, क्या शूट चल रहा है और क्या सीन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग की फिल्म, नई फिल्म कहानी किस्मत की, ट्रिपल के, वैसे मेरा भी नाम के से स्टार्ट होता है। कहानी किस्मत की जो फिल्म है, एक ऐसा कैरेक्टर इस फिल्म में वो समय का मारा हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन बनता गया, वो नहीं चाहता है कि हम मतलब शूटर बने या भाई बने या डॉन बने, लेकिन ऐसा उसको समय बना देता है,
तो इस फिल्म में हम वही कैरेक्टर कर रहे हैं कि गांव में कुछ ऐसा कांड हो जाता है और बॉम्बे भाग के चले आते हैं, और बॉम्बे में पैसा के लिए यहाँ पे क्या लोग नहीं करते हैं। तो हम कोई होता है सही राह पे चल जाता है, कोई गलत राह पे चल जाता है, तो मैंने गलत राह पकड़ लिया है और गलत का परिणाम गलत ही होता है। लेकिन अभी नहीं, ये सस्पेंस है कि इस फिल्म में क्या होता है, आप लोगों को पूरी फिल्म में देखने को। कैसा अरविंद और इनुश्री की बात करें तो कैसा है पर्दे पे केमिस्ट्री दोनों की? बहुत बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, और उनके साथ मेरी पहले भी फिल्म किया है त्रिदेव में जब वो हमारी बहन बनी थी, और फिल्म है एक में बहन एक में गर्लफ्रेंड बनी है, तुम्हारे प्यार की कसम में भी वो है, तो लगातार 3 मूवी हैट्रिक हो गई उनके साथ। राजेश जी और बाली जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाली जी बहुत अच्छे, मतलब बहुत बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सेट पे, उनके साथ काम करके बहुत ही मज़ा आता है, हंसी मजाक में इतना अच्छा वो काम कराते हैं, और छोटी छोटी चीज़ इतना मतलब मार्क करके ऐसा बताते हैं कि वो सीन को और खिला देते हैं। तो एज ए कोरियोग्राफर है और हमको डांस भी बहुत पसंद है, तो उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। उनके साथ रंग किया मैंने, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ है आप लोग के बीच। तो और राजेश जी प्रोड्यूसर मस्त मौला इंसान है जैसा मेरा करेक्टर है वो, हम ऑन कैमरा हैं लेकिन वो ऑफ कैमरा है, फटाफट बोलने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं। सिनेमा में जो चाहिए वो उनको चाहिए, फिल्म का बजट बढ़े बजट की कोई चिंता नहीं है, फिल्म अच्छी बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी का अगर सोच रहे थे ब्याह कराने के लिए, तो उनके लिए कोई लड़का देखा आपने? लड़का की लड़की किसका? राजेश जी का? क्या चाहते हैं पेमेंट रुक जाए हम लोग का? नहीं, वो राजेश जी बहुत ही अच्छे हैं, वो मतलब क्या बोलूं, उनके साथ बैठते तो ऐसा लगता है ना कि प्रोड्यूसर बैठा है। नाजायज बेटे के बारे में बहुत चर्चा चल रही है आपकी, क्या है वो नाजायज? अरे महाराज, वो आनंद जी कहाँ पर है, वो मतलब क्या बोलूं, नाजायज बेटा वो ऐसा सीक्वेंस बना, शादी भी कब हो जाती है हमारी, मतलब आप लोग ऐसा है कि बिना शादी के, नहीं मतलब आप लोग बिना शादी के शादी मना दे, बस एक सुहाग रात का न्यूज बचा हुआ है, ऐसा ना हो कि मतलब 2-3 महीने से मैं बॉम्बे हूँ, घर से मम्मी का फोन आता है आज किसके साथ शादी हुआ, तो आज प्रियंका पंडित के साथ हुआ, कल किसके साथ हुआ, तो ये हमारे साथ अच्छा है कि मेरे साथ पिताजी चलते हैं, वरना अगर पापा हमारे ना चलते तो कहिए झाड़ू बेलना से जब पैकअप हो गए। जी जी, पहले हमने देखा कि आपको पुलिस वालों ने पकड़ा था, जी जी, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सफाई पेश करेंगे? हाँ, मैं चूंकि क्या हुआ कि ये लोग कैमरा देखे तो ये लोग सोचे कि वही शूटिंग चल रही है और मैं विलन का, मोस्टली विलन का काम करता हूँ, तो ये समझे कि पकड़ लो पुलिस वाला है, ये विलन है पकड़ लो, और मैंने सोचा कि ये लोग समझे हो कि जगह पकड़ लो, तो ये लोग वही पुराने थीम में थे, वही कंटिन्यूटी वाले। नहीं, इसमें विलन नहीं हूँ, और इसमें मेरा अच्छा शेड है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा नेगेटिव शेड है, लेकिन लास्ट में मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे जो है मैं गलत था, मेरा हीरो सही था। आपके सिपाहियों को लगा सही में आप विलेन हो? हाँ, ये वही पुराने फ्लैशबैक में थे। भी अच्छा आदमी अच्छा बन जाइए, ये कहाँ से, ये नेगेटिव वाला ही है, ऐसे भी देखते लग रहा रेप करने वाले हैं। अरे क्या ये नजरों से रेप कर देते हैं हीरोइनों का, तो फिल्म में कितना भी अच्छा किरदार कर ले, अयाज खान जब भी आएंगे तो पर्दे पे पब्लिक बोलती है ये अब देखिए हमारी हीरो के, तो इस फिल्म में बहुत ही अच्छा करें, इनके साथ पहली बार है जब पॉजिटिव रोल मैंने किया, उल्टा हो गई बा, हम मतलब निगेटिव करते नहीं है कि पॉजिटिव करते नहीं, तो बहुत अच्छा लगा अयाज भैया के साथ काम करके, बहुत ही अच्छे, और एक खासियत है कि जहाँ से हम हैं बक्सर से वहीं के ये हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग एक ही गाँव जवार के हैं, इस पार गंगा के इस पार हम रहते हैं, गंगा के उस पार ये रहते हैं, तो बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई के तहत हैं और सेट पे बहुत कुछ सिखाते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम। BIPL के बारे में क्या कहना चाहेंगे अयाज भाई, किसको सपोर्ट कर रहे थे और कौन जीता? और नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा था मैं, तो खेल रहा था मैं, मनोज तिवारी 11 टीम में था, 3 टीमें थी, रवि किशन 11, मनोज तिवारी 11, निरहुआ 11, और कल्लू जी भी थे, लेकिन कल्लू जी बिजी थे, कल्लू जी चूंकि शूटिंग में कंटिन्यू बिजी थे इसलिए खेल नहीं पाए, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर से कोशिश करूंगा कि ये खेलें, टीम में सिर्फ रहने खेले, और कल फाइनल मैच था, मनोज तिवारी 11 बनाम निरहुआ 11, और कल मैंने मैच जिताया, कल लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे और मैंने जो है लास्ट ओवर में 2 विकेट मारे और अपनी टीम को जिताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कल, मतलब उसका मतलब मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रात में 2 बजे आया घर पे और सुबह शूटिंग भी थी, इतना खुश था कि खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी, वो जो लास्ट स्टेज पे जो मनोज तिवारी जी ने मुझ पर भरोसा किया कि लास्ट ओवर मुझे बॉलिंग दिया, बोला कि आज तुमको हमारी टीम को आज फाइनल मैच है और जिताना है और मैं दिल्ली से मैच खेलने आया हूँ, चूँकि वो
बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए हैं, सांसद हो गए हैं, वो दिल्ली से मैच खेलने आए थे, तो बोले कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और मेरी इलाज रख लेना, और अल्लाह का शुक्र है और आप सभी बड़ों की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मेरी बात सुनी। और अरविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे थे? और देखिए हम और दूसरी बात, एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि वो फिक्सिंग था मनोज तिवारी की मैच टीम जीतनी ही थी, क्या कहना चाहेंगे जी? अब क्या बोलूँ, फिक्सिंग था ये। देखिए हम तो जिस टीम में थे, रवि किशन जी की टीम में, तो टीम तो अपना अच्छा था ही। ये मैच है जो हार जीत का लगा ही रहता है खेल, कोई मतलब एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी। वैसे मेरा फेवरेट मतलब गेम है ये क्रिकेट। मेरी टीम हार गई लेकिन मैं सबको सपोर्ट किया क्योंकि सभी लोग अच्छे खेलते हैं। क्या वो कारण रहा कि पहले ही आउट हो गए, दो मैच में लगातार हार मिली? और कभी कभी इंडिया भी हारती है, ऐसा नहीं, विराट कोहली भी जीरो पे आउट होते हैं, तो ये भाग्य है, लक इन लोगों का साथ दे रहा है। नेक्स्ट टाइम इनके विरुद्ध हम खेलेंगे ना जी, अभी युवा प्लेयर आएगा तो अच्छा खेलेगा, तो नेक्स्ट ईयर का बस हम वेट कर रहे हैं। आज से प्रैक्टिस में लग गए हैं तो अगले साल हम भी खेलेंगे। और रहा बात फिक्सिंग का, ये गलत अफवाह कौन फैला रहा है, क्या कहना चाहेंगे आयज भाई? नहीं नहीं, ये गलत अफवाह है। और हम लोगों ने कल जो मैच खेला, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, और ऑडियंस के बीच मैंने बहुत सारे मुझे कॉल्स आए, मैसेज आए कि मतलब हम लोग तो मैदान में थे, ग्राउंड में थे, कि कल ऐसा ऑडियंस ने बताया कि ऐसा लग रहा था भैया कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इतना मतलब लास्ट बॉल तक क्रिएटिविटी बनी हुई थी कि लास्ट बॉल पे चार रन चाहिए था और मैंने जो है यॉर्कर मारा और कोई रन नहीं दिया। अभी तो लोग बोल रहे हैं कि फिक्सिंग का था। ये लो इंडिया पाकिस्तान का था इसलिए। अरे मतलब कुछ भी बोलो है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा मैच हुआ और ऐसा कोई फिक्सिंग नहीं था। और ये BIPL ये सेकेंड सीजन था और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अनाउंस भी हुआ है कि हम लोग जो है BIPL का जो थर्ड सीजन होगा उसका फाइनल मैच हम लोग आउट ऑफ इंडिया रहेगा, शायद शारजा, कतर, दुबई मे बी। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पे, एक मैदान पे इकट्ठा हो रही है और पूरी इंडस्ट्री आती है। पूरी इंडस्ट्री आई थी, रवि किशन जी, मनोज जी, निरहुआ जी और सारे इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन एक्टर्स। हाँ, ये मतलब एक भोजपुरी इंडस्ट्री को जोड़ने का बड़ा अच्छा माध्यम है और इसी बहाने एंजॉय भी हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितनी इंडस्ट्री है, CCL तो होता है, लेकिन किसी इंडस्ट्री का ये पर्सनल अपना कोई इंडिविजुअल मैच नहीं होता, जो कि हमारे इंडस्ट्री ने एक नया प्रयोग किया है, एक नया पहल किया है, एक नया अच्छा और कदम उठाया है।